अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जहीद बशीर और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टार डेल्टा के कनेक्शन कैसे करते हैं, स्टार डेल्टा के सिंबल्स, इनके फर्मूले और थ्री फेज मोटर के साथ स्टार डेल्टा स्टार्टर क्यों लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो आपको स्टार नज़र आ रहा है, ये इसके छः पॉइंट हैं, A1, A2, B1, B2, C1, C2। ये मोटर के बाद जो आपको छः टर्मिनल नज़र आते हैं, ये मैंने वो बनाए हैं, तीन वाइंडिंग के सेट्स होते हैं। तो आप इनको इस साइड से शार्ट कर दें या इस साइड से शार्ट कर दें, एक ही बात है। तो ये इसका न्यूट्रल पॉइंट निकलेगा, ये A1, B1 और C1, इनको हम थ्री फेज सप्लाई के साथ मुंसलिक कर देंगे। तो इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। ये इसका न्यूट्रल पॉइंट, ये L1, L2 और L3। और डेल्टा के कनेक्शन जो होते हैं, इसको हम सीरीज़ में कनेक्शन करते हैं कि पहली वाइंडिंग का एंड, दूसरी वाइंडिंग का स्टार्ट, दूसरी वाइंडिंग का एंड, तीसरी वाइंडिंग का स्टार्ट और तीसरी वाइंडिंग का एंड, पहली वाइंडिंग का स्टार्ट। ये हो गया जी डेल्टा में कनेक्शन। और डेल्टा के सिंबल इस तरह का होता है। L1, L2 और L3। और अब हम बात करते हैं इनके फर्मूलों के बारे में। तो दोस्तों, स्टार में जो लाइन वोल्टेज होते हैं वो √3 फेज वोल्टेज के बराबर होते हैं। और इसको हम अगर इधर ले आए तो फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय √3 हो जाएगा, और लाइन करंट फेज करंट के बराबर होता है, और पावर √3 VL IL cos φ के बराबर होता है। और डेल्टा बिल्कुल इसके उलट होता है, इसमें लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होते हैं और लाइन करंट √3 फेज करंट के बराबर होता है। और अगर हम इसको इधर ले आए तो VPH = IL/√3 और पावर का फार्मूला सेम ही होता है। ये हो गए जी इसके फार्मूले। तो इससे साबित हुआ कि स्टार में वोल्टेज कम होते हैं और डेल्टा में वोल्टेज ज़्यादा होते हैं। स्टार में जो है करंट वो ज़्यादा होता है और डेल्टा में जो करंट होता है वो कम होता है, और पावर दोनों की सेम होती है। तो दोस्तों, अब ये सवाल उठता है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर मोटर के साथ क्यों लगाते हैं। तो दोस्तों, 5 हॉर्स पावर से जो बड़ी मोटरें होती हैं उनके साथ हम स्टार डेल्टा स्टार्टर कनेक्ट करते हैं, क्योंकि स्टार डेल्टा की जो मोटरें होती हैं उनकी जो वाइंडिंग होती है वो मोटी तार की होती है, और मोटी तार की होती है और इस उसको करंट का ज़्यादा चाहिए होता है। शुरू में स्टार्टिंग में मोटरें होती है ज़्यादा करंट लेती हैं और तार भी मोटे होती है, इसलिए इसको हम सबसे पहले स्टार में चलाते हैं। स्टार में वोल्टेज कम होते हैं और करंट ज़्यादा होता है, ठीक है जी। और 7 सेकंड के बाद अगर हम इसको सिर्फ डेल्टा में चलाएंगे तो मोटर फिर भी जल जाएगी। उसको हमने एक वक्फे के बाद 7 सेकंड या 10 सेकंड के बाद उसको डेल्टा में चेंज करना होता है, ताकि उसको फुल वोल्टेज मिले और करंट उसको कम मिले। इसमें उसको वोल्टेज ज़्यादा मिलते हैं और करंट कम मिलता है, इसलिए मोटर जो है वो चलती रहती है। तो मोटरों के साथ आपको इस तरह की भी एक कनेक्शन बॉक्स मिलता है, तो उसमें स्टार के कनेक्शन ये सिंपल हैं। ये तीन को आपस में शार्ट कर दिया, इसको L1, L2, L3 जो है ये दे दिया, और डेल्टा के कनेक्शन इस तरह होते हैं, पहली वाइंडिंग का एंड, दूसरी का स्टार्ट, दूसरी का एंड, तीसरी का स्टार्ट, तीसरी का एंड और पहली का स्टार्ट। तो दोस्तों, फेज को P से भी ज़ाहिर करते हैं, फाई से भी ज़ाहिर करते हैं और L से भी ज़ाहिर करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।